हे हाय फ्रेंड्स, होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे एक न्यू वीडियो में। और आज मेरे साथ है इरशाद सर फिर से। एक्चुअली बहुत सारे स्टूडेंट थे जो ये पूछ रहे थे, सर हम जब कोर्स तो कर लिया हमने या कोर्स तो हम ज्वाइन कर लेंगे, बट कोर्स करने के बाद हमें किस टाइप के प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, हमारे पास किस टाइप के प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटी होगी और किस टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं एसएसपी में। तो उसके लिए मैंने बोला इरशाद सर को कि सर हम एक वीडियो बनाते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को गाइड करेंगे कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं एसएपी अगर प्रोफाइल में जाते हो। तो हाय सर, कैसे हैं आप? हाय हाय रोहन, मैं तो ठीक हूँ। आप बताओ, आप कैसे हो? सर बहुत अच्छा है, लगता है अभी आप ऑफिस में हैं। जी, बिल्कुल, अभी ऑफिस में ही है। थोड़ा सा अभी टाइम का ऑनेशन है, बहुत समय कम है। ठीक ओके ओके है, निकाल पाना प्रोजेक्ट्स कई सारे हैं, सारे प्रोजेक्ट्स को अभी करना है उनको, क्योंकि अभी गो लाइव का भी समय आ रहा है। गो लाइव भी करके देना है क्लाइंट को, तो जिसके वजह से थोड़ा सा अभी थोड़ा सा हेडल चल रहा है। खैर कोई नहीं, आप बताइए आप कैसे हो। बस सर अच्छा है। यही था कि स्टूडेंट्स का डाउट था कि किस टाइप के प्रोजेक्ट्स होते हैं बेसिकली एसीपी के अच्छा अंदर। अच्छा अच्छा ओके ओके, दैट्स ग्रेट क्वेश्चन ये है। और मेरे ख्याल से जितने भी फ्रेशर बंदे हैं उनको ये क्लियर भी होना चाहिए कि सपोज दैट आफ्टर डूइंग ऑफ कंप्लीशन ऑफ माय एसएपी कोर्स, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आई कैन गॉट इट, या किस तरह के होते हैं, क्या होते हैं, क्या ग्रीन फील्ड होता है, क्या ब्राउन फील्ड होता है। ठीक है, फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन, माइग्रेशन एंड रोल आउट क्या है, सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे थोड़े से मैं क्विक में कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो इन एस ए पी, इफ यू टॉक अबाउट एस ए पी, देयर इज सर्वल सर्वल काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स आर अवेलेबल। ठीक है, अगर मैं ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट की बात करूँ, ठीक है, आपने कई बार सुना भी होगा कि ग्रीन ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन है या फिर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है, तो ये क्या होता है। अब ग्रीन फील्ड जो प्रोजेक्ट होता है ये वो प्रोजेक्ट होता है जो फर्स्ट टाइम होता है, फर्स्ट टाइम कह लो या फर्स्ट टाइम एस ए पी में अभी आ रहा है। ठीक है, या फर्स्ट टाइम एस ए पी में इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब सपोज दैट एक वी कैन टेक इट एग्जाम्पल, हमारा एक कोई क्लाइंट है और वो क्लाइंट कहता है कि मैं ना अपनी कंपनी में, ठीक है, एस ए पी इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, एस ए पी इम्प्लीमेंट करवाना चाहता हूँ, और तो हम उनसे ये पूछेंगे कि आप जो इम्प्लीमेंट कराना चाहते हो तो प्रीवियसली आप किस पे काम कर रहे हो, क्योंकि प्रीवियसली किसी ना किसी ई आर पी पे तो काम कर ही रहे होंगे। मे बी हो सकता है वो टैली हो, पीपल सॉफ्ट हो, ओरेकल हो। ठीक है, तो कई तरह के ईआरपीज हैं जो मार्केट में अवेलेबल है। तो अगर इन केस सपोज डेट, ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं ओरेकल पे हूँ या पीपल सॉफ्ट पे हूँ, या फिर आप ये समझ लो कि वो पहले से एसएपी पे काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, यानी वो फर्स्ट टाइम एसएपी पे मूव होंगे, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन, यानी प्रीवियसली दे आर नॉट वर्किंग ऑन द एसएपी। ठीक है, जस्ट दे आर ट्राइंग टू मूव इन एस ए पी एज अ फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन। यानी उस समय क्या होगा कि एस ए पी पे उनका फर्स्ट टाइम एकदम फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन होगा। और यहाँ पे क्या होता है कि काम बहुत ज्यादा होता है, कुछ असैप मेथोलॉजी होते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग करते हैं, आफ्टर रिक्वायरमेंट गैदरिंग ब्लू प्रिंट्स क्रिएट करना होता है, रियलाइजेशन फेस होता है, तो इस तरह के फेसेस होते हैं और इस तरीके से हमें करना होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर क्लाइंट पहले जो है, प्रीवियसली जो है, अगर एसएपी पे काम नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हैं, टैली से फर्स्ट टाइम मूव हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ ग्रीन इम्प्लीमेंटेशन। और इसे हम फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, जहां पे हमें पूरा इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, सेकेंड वन होता है ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, कई जगह हमने भी सुना है कि ये ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है, तो ये क्या होता है। एक यस यस क्वेश्चन है, जो आपने फर्स्ट वाला ऑप्शन बताया ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, तो इसमें हमें एक क्लाइंट लोकेशन पे जाना होता है या फिर हम अपने ऑफिस लोकेशन हाँ से करते हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हर तरह की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड करता है क्लाइंट का। यहाँ पे क्या होता है कि अगर मुझे फर्स्ट टाइम में फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन मिलता है तो क्या होगा कि यहाँ पे मुझे क्लाइंट लोकेशन भी जाने को मौका मिलता है, ज्यादा चांसेस होते हैं, हाईली चांसेस होते हैं। अब अगर सपोज दैट वो क्लाइंट लोकेशन कुछ भी हो सकता है, सपोज सपोज वी आर वर्किंग इन एमएनसी कंपनी एंड वी गॉट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम अ यूएस और एनी अदर एल्स, वॉट एवर, कहीं भी ले लो, तो वहां पे जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो वहां पे जब रिक्वायरमेंट गैदरिंग करना होता है तो ये क्या होता है कि हमें वहां पे जाने का मौका मिलता है। हम यूएस भी जा सकते हैं, दुबई भी जा सकते हैं, मैं भी गया हूँ। ठीक है, दुबई भी मुझे ऑफर मिला था, मैं गया भी हूँ। बट अभी क्या है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब हम उनके क्लाइंट पे जाएंगे, उनके साथ रहेंगे कुछ दिनों के लिए, ठीक है, और वहां पे एक अच्छा खासा ट्रीट भी मिलता है कंपनी की तरफ से, आना जाना प्लस पर डीएम भी मिल जाता है, एक अच्छी लाइफ स्टाइल हो जाती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे। तो ये होता है, मिलता है मौका यहाँ पे, मिलता है। और कोई क्वेरी?
सर अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में आप बता सकते हैं। अच्छा ओके, सो नाउ वी आर मूविंग ऑन द ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब ये ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है? ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन सपोज दैट इज अ वन काइंड ऑफ अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट होता है। ये माइग्रेशन प्रोजेक्ट भी आपने शायद हो सकता है कई बार सुना होगा कि माइग्रेशन प्रोजेक्ट है, माइग्रेट किया हुआ है। दैट मीन्स इसका मतलब बोलता है ओल्ड लेजेसी सिस्टम टू न्यू न्यू लेजेसी सिस्टम, बिकॉज वी आर गोइंग टू माइग्रेट। अब सपोज दैट कोई क्लाइंट है, उस क्लाइंट ने कहा कि मैं अभी तक ECC मतलब SAP ECC पे काम करता हूं, अब मुझे S/4HANA पे मूव होना है। अभी यहाँ पे क्या है कि पहले से वो ऑलरेडी ECC पे SAP पे काम कर रहे हैं, SAP ECC ये जो ओल्ड वर्जन है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ठीक है। अब वो मूव हो रहे हैं किसमें? S/4HANA पे, जो न्यू वर्जन है। तो ये क्या हो गया? दिस इज अ वन काइंड ऑफ अ माइग्रेशन प्रोजेक्ट, और इसे हम ब्राउन फील्ड भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है कि यहाँ पे भी स्टार्टिंग वही चीज है, पहले इंफॉर्मेशन गैदरिंग करना होता है, देन उसके बाद रियलाइजेशन फेज होता है, फिर उसके बाद फाइनल रियलाइजेशन टेस्टिंग वेस्टिंग होने के बाद गो लाइव सबसे लास्ट में होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, इस माइग्रेशन प्रोजेक्ट में भी हमें मौका मिलता है। यहाँ पे भी अगर सपोज कोई मेरा प्रोजेक्ट है आउट ऑफ इंडिया है या फिर इंडिया में ही है, कहीं भी है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें उनके साथ कुछ समय के लिए बिताना होता है ताकि हमें उनसे इंफॉर्मेशन गैदरिंग कर ले, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो हमें चाहिए उनके साथ गैदरिंग करें। तो इस केस में भी क्या होता है कि कंपनीज हमें ऑफर देती हैं बाहर जाने का, कई सारे ऑप्शंस हैं, बाहर जाने के ऑफर भी मिलते हैं, ठीक है, इंडिया में भी मिलते हैं, वही सेम यहाँ पे भी कंपनी के ही एक्सपेंसेस होते हैं, आना जाना, वहाँ ट्रीटमेंट, वहाँ रहना, सब कुछ करना, ये सब कुछ साथ ही साथ कुछ पर डियम भी मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको मौका मिलता है। तो ये हो गया आपका ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। एक होता है रोल आउट, रोल आउट प्रोजेक्ट भी होता है। रोल आउट प्रोजेक्ट वो होता है जैसे सपोज डैट कि वी आर वर्किंग इन वन ऑर्गेनाइजेशन, सपोज डैट हम क्या कर रहे हैं कि किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑलरेडी वहां पे S/4HANA चल रहा है या फिर ECC चल रहा है, नो डाउट। कल को उन्होंने ये फील हुआ क्लाइंट को कि मैं एक अदर कंपनी बनाने जा रहा हूँ, उन्होंने क्या किया एक और कंपनी मतलब खड़ी कर दी, और वो जो कंपनी खड़ी की सपोज डैट उन्होंने क्या कहा कि मैं इसे मार्केट में, उन्होंने किया सब कुछ मार्केट में लॉन्च किया, वो लॉन्च करने के बाद उसको भी उसी सर्वर में, उसको भी उसी SAP में ऐड करना चाहते हैं। तो ये क्या हुआ, ये रोल आउट हुआ, यानी पहले से तो वो SAP चल ही रहा था, वो SAP यूज हो रहा था, बस एक नई कंपनी ऐड हो गई है, दैट इज कॉल्ड अ रोल आउट प्रोजेक्ट। तो सेम यहाँ पे भी जो मैंने आपको बताया जो SAP मेथोलॉजी है, जो एक सॉफ्टवेयर कहीं भी हम इम्प्लीमेंट करने जाते हैं उनके स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेटस यहाँ स्टेजेस जो है यहाँ पे भी फॉलो करने होते हैं। तो ये हो गया रोल आउट प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट होता है जो होता है जिसे हम कहते हैं सपोर्ट प्रोजेक्ट। सपोर्ट प्रोजेक्ट क्या होता है ये भी देख लो। अब सपोज डैट कि कोई मेरी कंपनी है, उसने कहा कि मेरे को इम्प्लीमेंट करवाना है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, ठीक है, वो फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन था, वो टैली से आ गई SAP पे। हमने क्या किया, जो भी टाइमिंग था 1 ईयर या फिर 8 मंथ या 9 मंथ, वट एवर टाइमिंग हैज बीन फिक्स, हमने विद इन अ टाइमिंग हमने उन्हें करके देख। अभी क्या होता है कि हमने इम्प्लीमेंट तो कर दिया, अब इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से कर दिया, लेकिन अब जब वो बिजनेस के जब ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे, ठीक है, उनकी रिक्वायरमेंट चेंजेस, समय समय पर रिक्वायरमेंट चेंजेस होगी। तो वो समय समय पे जो रिक्वायरमेंट चेंजेस होगी वो धीरे धीरे इशू आएंगे, वो क्या करेंगे, अब इसको चेंज करो, यानी हमने SAP को इम्प्लीमेंट करके उन्हें दे दिया, और देने के बाद थोड़े मोड़े जो चेंजेस आएंगे सब कुछ आएंगे, यानी हम उन्हें सपोर्ट देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो SAP में होते हैं। कौन कौन से मैंने बताया? पहला मैंने बताया आपको ग्रीन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन, फिर सेकंड बताया ब्राउन फील्ड इम्प्लीमेंटेशन। ग्रीन फील्ड में फ्रेश इम्प्लीमेंटेशन जो फर्स्ट टाइम होता है जिसे हम इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट भी कहते हैं, माइग्रेशन प्रोजेक्ट जो कि ब्राउन फील्ड जिसे कहते हैं, माइग्रेशन प्रोजेक्ट भी मैंने बताया जो कि माइग्रेट होते हैं, जैसे सपोज डैट कि वो अगर पुराने वर्जन से न्यू वर्जन में आ रहे, ECC से S/4HANA में आ रहे। रोल आउट प्रोजेक्ट, सपोज एक वन यूनिट है हमारा, जो एक और यूनिट बना, प्लांट बना या फिर एक नया बिजनेस हमने बना लिया तो उसे भी हम ऐड करना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड अ रोल आउट प्रोजेक्ट। एंड एक सपोर्ट प्रोजेक्ट, अनदर इज अ सपोर्ट प्रोजेक्ट। तो सपोर्ट प्रोजेक्ट में क्या होता है कि हम उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो एज अ SAP गाइस हमें कोई भी प्रोजेक्ट मिल सकता है,
अगर हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट मिलता है तो वेल एंड बेस्ट है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। सीखने को तो हमेशा मिलेगा, सारे प्रोजेक्ट्स में मिलेगा, ठीक है। सपोर्ट प्रोजेक्ट है तो नो डाउट सपोर्ट में भी सीखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि बाहर जाने का भी अपॉर्चुनिटी है। अब एक बात आती है कि क्या सर बाहर, ये भी स्टूडेंट्स का होता है क्वेरी कि क्या इस जॉब को करके मैं बाहर जा सकता हूँ। बिल्कुल, एसएपी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बाहर में भी, अगर मैं बात करूँ तो बाहर के भी कई सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। यहाँ पे हम एक अच्छा एक्सपीरियंस लेकर के, हम अपने इंडिया में एक अच्छा 4 ईयर या 5 ईयर एक्सपीरियंस लेकर के, या फिर ऐसे भी या 2 ईयर या 3 ईयर एक्सपीरियंस लेकर के, दे कैन ट्राई टू आउटसाइड ऑफ अ कंट्री, ठीक है। बहुत से ऐसे हैं जो कि दुबई है, सऊदी अरेबिया है, मेरे ही जान पहचान के हैं, ठीक है। तो सऊदी अरेबिया में है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है, और यूएस में भी है। तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, कई तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, बाहर जाने के बहुत अच्छे चांसेस होते हैं यहाँ। मैंने अक्सर देखा है जिनको अगर एसएपी में अगर मोर देन 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है या फिर 12 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है, वो मोस्ट ऑफ द गाइज जो है बाहर ही चले जाते हैं, वहां सेटल हो जाते हैं। वहां अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है हमें एसएपी कंप्लीट करने के बाद। ये ओके सर, थैंक यू। और बताइए, ये और कोई क्वेश्चन था, क्वेरी है? होप सो कि स्टूडेंट्स को ये बताइए। क्वेरी का आंसर मिल जाए। एंड बाकी और तो हमने डिस्कस किया था, एंड इसके अलावा मैं एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहूँगा। हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज लेके आएंगे जिसमें एसएपी के जो कैरियर ऑप्शंस हैं, बींग ए बहुत सारे मॉड्यूल से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी, तो बींग ए बिल्कुल फाइनेंस बिल्कुल, प्रोफेशनल आप कौन से मॉड्यूल में हाँ आप मैं समझ जाओ, गया, हाँ मेन उसके मॉड्यूल लिए कौन मैं, से है, सब मॉड्यूल्स कौन से हैं, हाँ ठीक है वो ठीक है। हम मैं एक सेपरेट वीडियो सीरीज करेंगे उसके लिए। इस वीडियो में हम इतनी टॉपिक के साथ इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक्स कि आप इस सेशन में आए, थैंक अभी आपका यू, ऑफिस चल रहा है फिर भी, एंड बिल्कुल फिर से बिल्कुल, हम रिकॉर्ड करेंगे नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।